पाकिस्तान भारत के पूर्व नेवी कमांडर कुलभूषण जाधव को आज कॉन्सुलर एक्सेस देगा। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने रविवार को बताया कि जाधव को वियना कन्वेंशन के तहत कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाएगा। उन्होंने कहा, यह एक्सेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के फैसले और पाकिस्तान के कानून के तहत दी जाएगी। भारत ने 30 अगस्त को स्पष्ट किया था कि कुलभूषण जाधव के लिए तुरंत प्रभावी और अबाधित काउंसलर एक्सेस चाहते हैं। इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने ICJ के फैसले के 11 दिन बाद कुलभूषण जाधव को सशर्त कॉन्सुलर एक्सेस देने का निर्णय लिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा था कि इंटरनेशनल कोर्ट के आदेशानुसार हम जाधव के लिए अबाधित और जल्द काउंसलर एक्सेस चाहते हैं। इसके लिए पाकिस्तान के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। ICJ ने लगाई थी जाधव की फांसी पर रोक। ICJ ने 21 जुलाई को भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी थी। साथ ही पाक से उसे कॉन्सुलर एक्सेस देने की मांग की थी। ICJ के 16 जजों ने 15-1 के बहुमत से कुलभूषण की फांसी की सजा निलंबित कर दी थी। ICJ के फैसले के अगले दिन को पाक विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था, ICJ के फैसले के तहत कमांडर कुलभूषण जाधव को वियना कन्वेंशन की आर्टिकल 36 के तहत कॉन्सुलर एक्सेस से जुड़े उनके अधिकार समझा दिए गए हैं। एक जिम्मेदार देश के तौर पर पाक अपने कानून के मुताबिक ही कुलभूषण को कॉन्सुलर एक्सेस मुहैया कराएगा। इसके लिए शर्तें तैयार की जा रही हैं। जाधव के खिलाफ पाक सेना के ट्रायल को भारत ने चुनौती दी। भारत के रिटायर्ड नेवी अफसर जाधव को पाक की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप पर मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने मई 2017 में ICJ के सामने यह मामला उठाया था। पाकिस्तान पर जाधव को काउंसलर न मुहैया करवाने का आरोप लगाया। भारत ने जाधव के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के ट्रायल को भी चुनौती दी। ICJ ने 18 मई 2017 को पाकिस्तान पर जाधव के खिलाफ फैसला आने तक किसी भी तरह की कार्यवाही किए जाने को लेकर रोक लगाई थी।